Hi friends, मैं नेहा. Welcome back to our channel, Inspiring Ideas for You. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ट्रायंगल शेप में मंडाला पैटर्न पे बेस्ड एक वूलन थ्रेड का यूज़ करके आपको दिखाऊंगी वॉल हैंगिंग. तो जिसके लिए देखिए मैंने वूलन का यूज़ किया है और सीज़र ली है. और यहाँ पे जो मैं स्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये स्टिक मैंने जो पतंग होती है जो छोटे बच्चे उड़ाते हैं उस पतंग की स्टिक्स हैं ये, काइट की, वो मैंने यूज़ की है. और एक और स्टिक यूज़ कर रही हूँ इसको. अब इनको हमें बांधना है एक साथ. तो पहले एक हम नॉट लगाएंगे. नॉट लगाने के बाद में हमको इन स्टिक को शेप में फिक्स करना है. देखिए थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा थ्रेड है पहले उसको कट कर देंगे, थोड़ा सा घुमा लेंगे ताकि एकदम यहाँ पे टाइट से बन जाए. और उसको एकदम हाफ पार्ट में डिवाइड करके हम इसको देखिए थोड़ा सा हमने खोला है. अब यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा शेप बिगड़ जाएगा, इसलिए पहले थोड़ा सा हाथ से टाइट से पकड़ के इसको हम फिक्स करने के लिए पहले घुमा देंगे. कई बार इसको रैप करेंगे यहाँ पे थ्रेड को. देखिए यहाँ ये जो मैं वूलन यूज़ कर रही हूँ ये ओल्ड वूलन है. तो अगर आपके पास किसी भी कलर का ओल्ड वूलन पड़ा हो तो आप उसको यूज़ करके बना सकते हैं. और अब आप सोचेंगे ओल्ड वूलन में बीच में नॉट्स बनी होती हैं अधिकतर, क्योंकि वो जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर निकलता है, तो उसको कैसे यूज़ करना है मैं वो भी बताऊँगी आपको. देखिए अभी तो पहले बस स्टिक को हम फिक्स कर रहे हैं कि स्टिक अपनी जगह पे फिक्स रहे, हिले नहीं, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है. अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना. तो बस हमको क्या करना है, स्टिक के ऊपर से थ्रेड को लेके आना है और नीचे से लाते हुए नेक्स्ट स्टिक के ऊपर से लेके आएंगे. देखिए एक स्टिक के ऊपर घुमाया, फिर नीचे से ला के दूसरी स्टिक के नीचे ले गए और उस पर से लाते हुए फिर नीचे ले गए. बस हमको यही डिज़ाइन रिपीट करनी है बार बार. जब हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तब हमको यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा होगा अभी कि क्या हो रहा है, क्या डिज़ाइन बननी है. लेकिन जैसे जैसे बनता जाएगा फ्रेंड्स, वैसे वैसे आपको डिज़ाइन क्लियर होती जाएगी. अब देखिए ऑलमोस्ट आपको डिज़ाइन क्लियर हो रही होगी कि कैसे बना है और क्या डिज़ाइन आ रही है. बस उसको अब हम कट करके देखिए नॉर्मल सी नॉट लगाएंगे और इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे ताकि ये इनकेस बाद में खुले ना. अब एक्स्ट्रा थ्रेड जो है हमने उसको कट कर दिया है. अब यहाँ प्लम के कलर का मैं थ्रेड ले रही हूँ, दूसरा वूलन थ्रेड. इसको पहले यहाँ नॉट लगा देंगे. नॉट लगाने के बाद में हम सेम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे जो अभी हमने पहले किया था. एक्स्ट्रा थ्रेड को पहले हम कट कर देंगे और देखिए एकदम बगल में ले जाएंगे जहाँ से हमारे ख़त्म हुआ है फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप के लिए सेकंड थ्रेड को जब हम लगाएंगे तो एकदम बगल में रखेंगे और सेम वैसे ही हमको बनाना है. देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ओल्ड वूलन का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये नॉर्मली हमारे घर पे वूलन रखा होता है जिसका हम कोई यूज़ नहीं करते हैं या कुछ सोचते हैं कि करेंगे लेकिन काफ़ी टाइम तक रखा रहता है. तो आप उसको ऐसे यूज़ करके एक सुंदर सी वॉल हैंगिंग बना सकते हैं. और बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी अपने स्कूल में एज अ प्रोजेक्ट इसको बना के ले जा सकते हैं. और ये फ्रेंड्स बहुत जल्दी भी बन जाता है. एक बार जैसे स्टार्ट होता है देखिए फिर कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है. हमारा जो पीछे से देखिए कैसा लग रहा था, पीछे से भी बहुत अच्छा लुक आ रहा था. अब ऑलमोस्ट सेकेंड हमारा कलर जो हमने लगाया था वो भी कंप्लीट हो गया है. इसको भी हम नॉट लगा के यहाँ फिक्स कर देंगे. थर्ड मैंने यहाँ पे लिया है रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ. रेड कलर का यूज़ करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को अब देखिएगा. यहाँ मैंने एक एक स्टिक को स्किप किया है, एक स्टिक पे रैप कर रही हूँ. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिक आ रही है उसके जस्ट बगल उसको छोड़ने के बाद सेकेंड पे रैप कर रही हूँ. तो ऐसे इसमें सिक्स स्टिक आपको दिख रही होंगी, है थ्री स्टिक बट सिक्स जो हैं उसमें से हम थ्री पे रैप करेंगे और थ्री को छोड़ देंगे. मीन्स वन पे करेंगे वन, छोड़ेंगे वन पे करेंगे वन.
ऐसे करते करते हम अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। और पीछे से भी देखें लुक कितना अच्छा आ रहा था। अब हमारी ये भी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। और जब हमारा देखिए थोड़ा बन जाएगा तो ये देखिए कितनी इजी है, ऐसे घूम रहा है। एक स्टिक पे ले गए और इसको यहाँ से गोल घुमाया, अपने आप ये गोल घूम जाता है। फिर दूसरी स्टिक पे ले गए, ऐसे करते करते भी बहुत हम ईजी और बहुत जल्दी बना सकते हैं इसे। अब मैंने आपके साथ जैसे बताया था कि अगर ओल्ड वूल, हमारा जो वूल था वो ओल्ड था तो उसमें नॉट आती है, तो इस नॉट को हम कट कर देंगे और जस्ट इसके बगल में देखिए हम जैसे रखते हैं नॉर्मल थ्रेड वैसे रखा और हमने कंटिन्यू कर दिया एकदम वैसे ही जैसे हम पहले बना रहे थे। अब जो हमारी नॉट है वो कहाँ चली गई, नीचे चली गई। और जब हम और बनाते जाएंगे तो ये बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगी। ऐसे ही ऊपर भी मेरी एक दो नॉट आई थी जो देखिए बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है। अब वैसे ऐसे ही बनाते बनाते हम रेड कलर भी हमारा देखिए कंप्लीट हो गया, रेड कलर की डिज़ाइन। अब इसको भी फिक्स करने के बाद में हमारा जो येलो थ्रेड था उसको ध्यान से देखिएगा फिर एक बार, जिस स्टिक पे रैप नहीं किया है उस स्टिक पे मैं इसको बांध रही हूँ। थ्री स्टिक पे मैंने रैप किया है, थ्री पे नहीं किया है, तो अब जिन पे नहीं किया है उस पे बांधूँगी और उसके बाद उन पे बनाएंगे। देखिए जिस पे रेड को रैप किया था उस पे रैप नहीं करेंगे, एक एक छोड़ के रैप करेंगे और थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ पुश कर देंगे। तब देखिए रेड वाले से डिज़ाइन भी बन गई है थोड़ी और इसको अंदर की तरफ हमने पुश कर दिया है। थोड़ा सा हाथ से करेंगे, बस एक ही बार हमको करना पड़ेगा, दूसरी बार जब हम इसके ऊपर दोबारा थ्रेड लाएंगे तो ये वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। बस देखिए ऐसे ही बनाते बनाते वाली डिज़ाइन भी हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने वूलन का यूज़ किया है, आप लोग थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, रेशम वाले थ्रेड आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, और जिस कलर का आपको मन करे आप उस कलर का बना भी सकते हैं। और देखिए सेकेंड नेक्स्ट जो स्टेप था वो भी कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है इस स्टेप को देखिएगा, बना तो हम सेम स्टिक पे रहे हैं जिस पर हमने येल्लो वाला बनाया था, बट इसमें हम नीचे से नहीं देखे थ्रेड को ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। सेम फिर नेक्स्ट जो स्टिक पे लाएंगे वो भी ऊपर से ही लेके आए हैं, नीचे ले गए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, नीचे से लेके आ रहे थे ऊपर की तरफ, और अब हम ऊपर से लेके आएंगे नीचे की तरफ। बस ऐसे ही सिंपल देखिए रैप करते करते हम अपनी पूरी डिज़ाइन को कम्प्लीट कर लेंगे। और आप देख रहे होंगे खुद की कितनी सिंपल वे में बस हमको क्या करना है, वूलन को रैप करना है और इतना सुंदर ब्यूटीफुल हमारा वॉल हैंगिंग रेडी हो जाएगा, वो भी वेस्ट ओल्ड वूलन के यूज़ से। और अगर ऐसा ही आप सेम बना के अपने किसी फ्रेंड को बर्थडे पे एज अ गिफ्ट करेंगे तो कितना खुश होगा सोचिए। तो अब देखिए हमारी वाली डिज़ाइन कम्प्लीट हो गई है, पीछे से भी कितना अच्छा लग रहा था ये। अब बस इसको यहाँ पे नॉट बनाने के बाद में मैंने क्रीम कलर का यूज़ किया है। अब यहाँ पे क्रीम कलर के थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं। ये वूलन जो यूज़ किया है थोड़ा सा शाइनी है, तो अगर आपके पास भी कुछ अलग तरह का वूलन हो, कई बार होता है कि कुछ कलर वूलन भी होते हैं जो कई कलर के होते हैं, तो उनका यूज़ भी कर सकते हैं। सिल्क जो थ्रेड होते हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी घर पे अवेलेबल हो आप उसका यूज़ करके बनाइए। और ये देखिए अब उसको रैप करने के बाद में अब मैं रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ, और रेड कलर वहाँ पे थ्रेड बना रैप कर रही हूँ जहाँ पे हमने पहले रैप किया था, मीन जिन स्टिक पे पहले रैप किया था सेम उन स्टिक पे ही फिर से हम रेड कलर को रैप करेंगे। और रैप करते करते सेम तरह की डिज़ाइन में हम मीन्स नीचे से ऊपर के वे में लाके हम अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम बस ध्यान इसमें ये देना है कि पूरा हमारी जितनी बड़ी स्टिक है पूरी स्टिक के कॉर्नर तक हमको ऑलमोस्ट पूरे कॉर्नर तक इसको रैप करना है। उसके बाद हम येलो कलर का यूज़ करेंगे बाकी बची हुई तीन स्टिक्स पे, और सेम पैटर्न में जैसे हमने पहले करा था नीचे से ऊपर लाते हुए देखिए इसको भी हम रैप कर लेंगे वैसे ही।
फ्रेंड्स बहुत इजी है, सच में बहुत इजी है, और एक बार आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी भी बन जाता है, तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अब देखिए बस हमने इसको रैप करके कवर कर लिया है। अब जो हम दूसरे थ्रेड का यूज़ करेंगे इसके बाद, तो सेम स्टिक पे यूज़ करेंगे, बट जैसे हमने इसको पहले रैप किया था नीचे से ऊपर नहीं लाना है, इसको ऊपर से स्टिक के ऊपर से नीचे की तरफ ले जाते हुए रैप करना है। अब देखिए ये वाला स्टेप कंप्लीट करने के बाद में हमारा ऑलमोस्ट पूरा वॉल हैंगिंग रेडी हो जाएगा। देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। और पहले भी फ्रेंड्स मैं आपके साथ में वूलन वेस्ट वूलन से बने ड्रीम कैचर शेयर कर चुकी हूँ, और मैंने वूलन बास्केट शेयर करी है आपके साथ में, वूलन बास्केट और वूलन से बनाया हुआ प्लांट हैंगर भी मैंने शेयर किया है, तो उसका मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप जाकर ज़रूर चेक करिएगा। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये रेडी हो गया है, और कितनी फिनिशिंग से साथ में बना है। अब देखिए ये आप वूलन, मैंने आपको याद हो तो पहले स्टार्टिंग में जस्ट दिखाया था, तो पूरा बनने के बाद भी इतना वूल बाकी है इसमें, इट मींस बहुत ही थोड़ा वूल लगता है, ज़्यादा वूल नहीं लगता है। अब देखिए इसको मैं आगे और इसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए इसमें हैंगिंग थोड़ा सा बनाऊँगी लटकाने के लिए थोड़ी सी डिज़ाइन, तो उसको मैंने हाथ पर रैप करा है देखिए सिंपली, उसके बाद यहाँ पर थ्रेड की हेल्प से मैंने रेड कंट्रास्ट में थोड़ा सा लिया है, तो जैसे येलो था उसके ऊपर मैंने रेड लगा दिया, और मैंने और बाकी जो बनाए हैं तो जैसे रेड बनाया है तो उसके ऊपर मैंने येलो लगा दिया, ऐसे करके कंट्रास्ट करके मैंने उसको रेडी कराया है। तो देखिए बाकी जो नॉट लगाने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड बचेगा उसे बहुत ही पास से कट कर देंगे, पहले उसको कट करा फिर बहुत पास से रेड वाले को देखे दोनों को कट कर देंगे हम, ताकि थोड़ी फिनिशिंग आए। उसके बाद नीचे से जो जॉइंट है वहाँ से सारे थ्रेड को कट करने के बाद में इनको एक साथ रख के देखिए इवन कर देंगे ऐसे ही। पहले मैं सेम ऐसे ही इसी साइज़ के मैं 4 बना चुकी हूँ, देखिए 4 मैंने और पहले से रेडी करके रख लिए थे, और 2 मैंने बनाए हैं नीचे के लिए थोड़े बड़े साइज़ के। देखिए आप इसको पहले इवन कर लेंगे जितना साइज़ हमने पहले बनाया था, दोनों को इक्वल कर लेंगे, कटिंग कर ली है देखिए मैंने, अब सब एक साइज़ के हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर, वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं वुडन स्टिक की हेल्प से टूथपिक ली है इसकी हेल्प से, मैं वुडन बीड्स पे छोटे छोटे वाइट कलर के डॉट लगा रही हूँ। इन स्टिक की जगह पे आप यहाँ पे ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ईजली और बहुत जल्दी हो रहा था तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। ऐसे ही दूसरा मैं बीट्स लूँगी और उस पर भी सेम ऐसे ही डॉट लगा देंगे टूथपिक की हेल्प से। अब ऐसे ही डॉट बना बना के मैंने जो बीट्स हैं उनको रख लिया है, और बहुत जल्दी जब तक मैं डॉट लगा रही थी सब में उतनी देर में सारे सूख भी गए थे, कलर सूखने में इसमें टाइम नहीं लगता है। देखिए अब सारे सूख गए हैं, इसमें से मैं 2 को निकालूंगी, एक मैंने ऑरेंज को निकाला है, और अब इसको मैं अटैच करूंगी इसके ऊपर। सबसे पहले देखिए थ्रेड को निडल में डालने के बाद बीच से निकाला है नॉट लगा के, और फिर से बीच से निकाल लें तो यहाँ पर एक बंच जैसा बन जाएगा, और थ्रेड हमारा बीच में एकदम हैंग हो इसलिए बीच से भी इसको एक बार निकाल लिया। अब इसमें हमें बीट्स डालने हैं, तो देखिए एक बीट डालने के बाद मैंने एक सिंपल बीट डाला, उसके बाद अब देखिए ऑरेंज डालेंगे, फिर इसको अब अटैच कर देंगे हम अपने वॉल हैंगिंग पे। तो देखिए पहले से मैंने एक हैंग करके इसमें रखा हुआ है, अब एक और देखिए हैंग करेंगे ऊपर, लेकिन कैसे करेंगे ये देखिए, बस बहुत सिंपली पीछे ढेर सारे जो वूलन हैं उसके अंदर ले जाएंगे, और जितना हमें हैंग करना है एक्स्ट्रा को हम यहाँ पे थ्रेड की हेल्प से अटैच कर देंगे। थोड़ा सा देखिए नॉट बनाई, बस थ्रेड के अंदर से ले गए और इसको टाइटली खींच लिया, बस देखिए यहाँ पे अटैच हो गया। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको हम कट कर देंगे, ऐसे ही हम सबको इस पे हैंग कर देंगे, देखिए सारे हैंग हो गए। अब नीचे के साइड में मैंने एक हैंग किया है, बट मैं दूसरा एक और करना चाह रही थी, तो उसको मैं दिखाती हूँ आप कैसे करते हैं। जो मैंने 2 बिग बनाए थे वो नीचे के लिए बनाए थे, तो एक को कर दिया, दूसरे के लिए देखिए मैंने सेम कलर का थ्रेड डाला और ऊपर पहले नॉट लगाई,
उसके बाद में 20 से निकाला ताकि सेंटर में हैंग हो ये। उसके बाद यहाँ 6 बीट्स का मैं यूज़ करूँगी, थोड़ा सा इसको मैं चाह रही थी इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ हैंग हो, तभी मैंने यहाँ बीट्स का यूज़ थोड़ा ज़्यादा किया है। और पीछे अटैच कर देंगे इसे नॉर्मली वैसे ही जैसे हमने सबको किया है। अब थ्रेड को हम कट कर देंगे पीछे से। ये देखिए समय पीछे का लुक है, वो पीछे भी कितना अच्छा लग रहा है। अब देखिए थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था इसलिए मैंने इसमें रेड कलर से और एक ऐड कर दिया है। अब ये पूरा कंप्लीट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि ऊपर हैंग करने के लिए जो हम हुक बनाएंगे उसके लिए पहले हमने थ्रेड को देखिए यहाँ पर नॉट बना लिए। नॉट बनाने के बाद में हम रैप कर रहे हैं, फिर जब हम किसी थ्रेड को कहीं पे फिक्स करते हैं तो एक नॉट बनाते हैं। तो देखिए नॉट हमने बनाई मगर उसको खींचा नहीं है, टाइट नहीं करेंगे, बस उसी के चारों तरफ हम थ्रेड को रैप कर देंगे तो एक हुक जैसा बन जाएगा। अब देखिए इसको हम रैप कर दे रहे हैं बस, तो हमारा ये हुक रेडी हो जाएगा। अब यहाँ इसको अटैच कर देंगे बस, हम थ्रेड को पीछे से निकाल लेंगे और ये हमारा हैंगिंग रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और देखिए कितना ब्यूटीफुल, कितना ईजली और घर पे रखे ओल्ड वूलन से बनाए।